रफ्तार के इस शोर में गुम हो गई है सच्चाई, सनसनी है हर बातें और खो गई है अच्छाई। छुपी हुई जो कोई बात, दबी हुई कोई आवाज, ढूंढेंगे उसे हम, ढूंढेंगे उसे। अभिजीत भारत पहुंचे हर खबर तक, अभिजीत भारत पहुंचे हर खबर तक, अभिजीत भारत पहुंचे हर खबर तक, अभिजीत भारत पहुंचे हर खबर तक। खबरों की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ता अभिजीत भारत न्यूज पोर्टल, हर शहर, हर राज्य, देश विदेश की ताज़ा खबरें और अपडेट्स जानने के लिए गूगल पर जाकर www.abhijitbharat.com लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सब्सक्राइब करें। अभिजीत भारत, पहुंचे हर खबर तक। एंटरटेनमेंट की दुनिया में नई नई बातें चाहे कितनी भी क्यों ना आ जाए, ओटीटी पर कितनी भी बिंज वॉचिंग कर लीजिए, लेकिन जो मजा आपको थिएटर में आता है वो कहीं और नहीं मिलेगा। और नागपुर में ऐसे ही बेस्ट इन क्लास थिएटरिंग एक्सपीरियंस दे रहे हैं AM सिनेमा मिनीप्लेक्स। मिनीप्लेक्स वर्ल्ड में स्विफ्टली आगे बढ़ता हुआ एक नाम AM सिनेमा, जो सभी सिने फैंस को प्रॉमिस करते हैं मल्टीप्लेक्स एक्सपीरियंस इन पॉकेट फ्रेंडली रेट्स। वेलकम AM सिनेमा मनीष नगर में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट, जहां आपको मिलती है 4 स्क्रीन्स, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर क्वालिटी, मूवी के हर मूड को फील करवाता डिजिटल डॉल्बी सराउंड साउंड, जो AM सिनेमा मिनीप्लेक्स में आपको देते हैं अनफॉरगेटेबल मूवी एक्सपीरियंस। इतना ही नहीं, मूवीज के बीच आपके टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए है सिने कैफे, जहां के चीज पॉपकॉर्न, चीज बॉल, बर्गर एंड पिज्जा इतने डिलीशियस हैं कि आपका पेट भरेगा पर दिल नहीं भरेगा। चलिए मिनीप्लेक्स की इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं कुराड़ी रोड पर। AM सिनेमा कुराड़ी रोड में आप 3 स्क्रीन्स पर अपने फेवरेट मूवीज का मजा ले सकते हैं, वो भी स्पेशियस एंड कंफर्टेबल हाईएस्ट नंबर ऑफ रिक्लाइनर सीटिंग अरेंजमेंट्स के साथ। ऑल्सो आपकी मूवीज के बीच मंचिंग के लिए यहाँ एक नहीं बल्कि 2 सिने कैफे अवेलेबल हैं, वो भी अफोर्डेबल, टेस्टी और डिलीशियस स्नैक्स के साथ। गर्मा गर्म स्नैक का मजा लेते हुए आइए चलचित्र की गाड़ी को अब मेट्रो से आगे बढ़ाते हैं। वैसे इंडिया में आपने मॉल्स में मूवी थिएटर्स देखे होंगे, जो कि आम बात है, लेकिन क्या आपने मेट्रो स्टेशन में मूवी थिएटर के बारे में सुना है? नहीं तो चलिए आपको ले जाते हैं इंडियाज फर्स्ट मिनीप्लेक्स थिएटर इन अ मेट्रो स्टेशन, AM सिनेमा एट जयप्रकाश मेट्रो स्टेशन, जो अब ऑरेंज सिटी की नई पहचान बन रहा है। आपको पता है, सबसे कम स्पेस में ओपन हुआ AM सिनेमा मिनीप्लेक्स अपने आप में ही बेमिसाल एंटरटेनमेंट प्लेस की मिसाल है। यहाँ आप 2 स्क्रीन्स पर मूवीज का मजा ले सकते हैं। नागपुर में कहीं भी रहिए, यहाँ सबसे फास्ट आप मेट्रो से पहुँच सकते हैं या आप अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं। फुल्ली 2K हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन आपको 3D एक्सपीरियंस के साथ डॉल्बी डिजिटल 5.1 सराउंड साउंड का मजा भी देती है। और अफोर्डेबल सिने कैफे में यम्मी सैंडविचेस, पॉपकॉर्न जैसे स्नैक्स का लुफ्त भी उठा सकते हैं। वैसे अगर आप मेट्रो स्टेशन के आसपास किसी फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, तो फोन पर रील्स और शॉर्ट्स देखने से अच्छा है AM सिनेमा में मूवी देखना।
अरे रुकिए रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। AM सिनेमा मिनीप्लेक्स आपको ऑफर करता है प्राइवेट स्क्रीनिंग का पर्सनलाइज्ड मूवी एक्सपीरियंस। जब लव्ड वन को अपने दिल की बात बतानी हो या बच्चों के बर्थडे पार्टी पर उनकी फेवरेट मूवीज की स्क्रीनिंग करनी हो, तब AM सिनेमा मिनीप्लेक्स आपकी सर्विस के लिए हमेशा रेडी है। हमारी सिटिंग अरेंजमेंट्स विल मेक यू फील लाइक यू आर लाउंजिंग इन योर ओन लिविंग रूम, जिसकी वजह से पूरी मूवी में यू विल बी कम्फर्टेबल। So come and experience the AM cinema for yourself and see why we are the ultimate destination for movie lovers. सफर राह का सपना जो आपका लो पूरा करने आया रेडियो ऑरेंज 106.4 FM। कुछ खट्टा कुछ मीठा हेलो जी, नमस्ते, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम आज के इस लेजेंड अमित कुमार लाइव इन कॉन्सर्ट में आप सभी का मैं आरजे प्रीति बिंदास तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दिस इवेंट इज प्रेजेंटेड बाय अभिजीत रियालिटर्स एंड इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद बंगाली एसोसिएशन नागपुर एंड बंगाली एजुकेशन सोसाइटी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। थोड़ा जोश खुद को दिलाने के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तो जोरदार कितनी जोरदार होती है। यस, अब अमित जी को जोश आएगा ना कि वो आज हमारे नागपुर के इस मंच पे परफॉर्म करें। वैसे नागपुर से उनकी भी बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं और आज नई यादें हम सब बनाने वाले हैं, यहाँ पर सुनने वाले हैं उनके कई सारे गाने जो वाकई कई सारे एरा को याद दिलाने वाले हैं। ये समय बहुत ही खास है, खास तौर पर नागपुर हमें लगता है कि एक मिनी इंडिया ही कह लो। यहाँ पर इतने खूबसूरत अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग हैं, रियल मायने में जो डाइवर्सिटी है और यूनिटी है हमें देखने मिलती है। और आज कई सारे बंगाली लोग एक साथ आए हुए हैं, पोइलो बैशाख के पहले कह सकते हैं, तो बंगाली न्यू ईयर के ओकेजन में आज आप सभी यहाँ आए हैं। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। और जो भी बाहर है मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अंदर आ जाएं, क्योंकि आज की ये शाम बहुत ही यादगार होने वाली है हम सभी नागपुर वालों के लिए। और खास तौर पर इंडिया में ये जो समय चल रहा है एक अलग त्योहारों का समय है। डेट्स और तिथियां अलग अलग जरूर है लेकिन अपने अपने तरीके से हम सब मना रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम महाराष्ट्र का गुड़ी पाड़वा, फिर चैत्री चंद, ईद हो गई और भीम जयंती आने वाली है, रामनवमी आने वाली है, पोइलो बैशाख है, कहीं बीहू भी है, उगाड़ी भी है और डेफिनेटली हमारा एक डेमोक्रेसी का त्योहार भी आने वाला है। कैन एनीबडी से डेमोक्रेसी का त्योहार कौन सा है? एग्जैक्टली। तो ये एक्चुअली वाकई में
त्योहारों का समय चल रहा है और हम म्यूजिकल वे में बड़े ही प्यार से अलग तरीके से आज इसे मना रहे हैं. स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक अभिजीत रियालिटर्स इन इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने कई बार कई सारे ऐसे सिंगर्स को हमसे रूबरू कराया है. अगर हम कहें बड़ा ही प्यारा इतिहास रहा है, राइट फ्रॉम सोनू निगम टू अरिजीत सिंह, हमने उनकी धुनें सुनी है हमारे शहर नागपुर में ड्यू टू अभिजीत ग्रुप. और अभिजीत ग्रुप के बारे में अगर मैं कहूं तो डेफिनेटली अब तो नागपुर की पहचान है, नए नागपुर की पहचान है, हम सब जानते हैं. कई लोगों को कई प्यारे से आशियाने दिए हैं और भी कई सारे आशियाने अब सज रहे हैं जिसमें नागपुर के कई लोग बसने वाले हैं. लेकिन उसी के साथ साथ शायद हम नागपुर वाले और प्राउड करेंगे कि कई सारी दूसरी भी चीजें हैं जो अब जुड़ रही है अभिजीत ग्रुप के साथ, एंड दैट इज रेडियो ऑरेंज, विदर्भ का पहला ऐसा नेशनल रेडियो FM जिसने 1-2 से शुरुआत करके अब 13 स्टेशन में अपनी आवाज को सुनाया है. रेडियो ऑरेंज जिसके बारे में आपने कुछ एवीज में भी देखा. तो आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ रेडियो ऑरेंज टू. इसलिए बहुत गर्व होता है कि हम नागपुर वाले और खास तौर पर गांव से और टू टायर सिटीज से लोग यहां पर अपना करियर बना रहे हैं और अलग अलग जगह. मैं कहना चाहूंगी बड़ी शान से कि हमने 2 स्टेशन से शुरुआत की थी जो कि अकोला हमारे विदर्भ का और साथ में बिलासपुर छत्तीसगढ़ का, उसके बाद सांगली और अब शिमला करनाल हिसार जो कि नॉर्थ इंडिया में है, पटियाला, उसके बाद सेंट्रल ईस्ट में मुजफ्फरपुर रांची जबलपुर बिलासपुर मैंने आपको बताया, और फिर महाराष्ट्र में जलगांव धुले अहमदनगर और सांगली. इन सारे शहरों में हमारे नागपुर से ब्रॉडकास्ट होने वाला FM चैनल शुरू है और अलग ऊंचाई छू रहा है. इसके लिए हम नागपुर वालों को बहुत प्राउड फील करना चाहिए. और साथ ही साथ अभिजीत ग्रुप के अब नए आयामों में जुड़ गया है अपने तरह का वन ऑफ दी वेरी फास्टेस्ट ग्रोइंग मल्टीप्लेक्स कह सकती हूँ, दैट इज AM सिनेमाज. तो AM सिनेमाज में आप में से कितने लोगों ने मूवीज देखी है? मेक सम नॉइज. यस, क्या बात है. तो नहीं देखी तो जरूर आप एंजॉय करेंगे क्योंकि घर जैसा माहौल देती है. आप बड़ी स्क्रीन अपने लोगों के साथ बड़े अच्छे तरीके से सुकून से इंजॉय कर सकते हैं. दैट इज AM सिनेमा जिसके अब पूरे नागपुर में 16 स्क्रीन्स हो चुके हैं, और साथ ही साथ AM इन और हमारा न्यूज पोर्टल अभिजीत भारत जो कि नागपुर से पूरे नेशनली एक न्यूज पोर्टल चलता है जिसमें हिंदी मराठी और इंग्लिश के कई सारे न्यूज और न्यूज वीडियोज हम लोग बनाते हैं. लेकिन संगीत क्योंकि हमारा अहम हिस्सा है, इसे बिल्कुल नहीं भूल सकते, और संगीत हम सबको बार बार जोड़ता है, और इसीलिए आज का ये जो कार्यक्रम है अमित कुमार लाइव कॉन्सर्ट प्रेजेंटेड बाय अभिजीत रियालिटर्स इन इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड इन एसोसिएशन विद बंगाली एसोसिएशन नागपुर एंड बंगाली एजुकेशन सोसाइटी, जिनके कोलैबोरेशन से आज ये मुमकिन हो पाया है. और इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत और बहुत ही हम स्वीट कैटेगरी में आते हैं ऐसे बंगाली लोग, तो थोड़ा सा स्वीट वाला साउंड और हो जाए बंगाली पीपल. बहुत ही खूबसूरत. तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की ऑफिशियल शुरुआत करते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी होस्ट पीपल जो हमारे साथ हैं उन सभी से निवेदन करती हूं, स्पेशली मिसेस जयंती मजुमदार, मिस्टर JK मजुमदार बंगाली एसोसिएशन से, प्रदीप गांगुली सर, प्रदीप मोइत्रा सर, अभिजीत मजुमदार सर, टू प्लीज लाइटन द लैम्प और आज के इस इवेंट को ऑफिशियली हम शुरुआत करते हैं. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि दीप प्रज्वलन से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें. जयंती मजुमदार जी, मिस्टर JK मजुमदार सर, प्रदीप गांगुली सर एंड प्रदीप मोइत्रा सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है. अभिजीत मजुमदार सर, आई रिक्वेस्ट प्लीज आज के इस म्यूजिकल इवेंट की एक प्यारी सी शुरुआत हो जाए.
साल के उपलक्ष्य में इस दीप की ज्योति के साथ दिस इज द सिंबॉलिक वे टू बिगिन समथिंग स्पेशल. और हम नागपुर वाले डेफिनेटली आज की इस शाम को इसी जलते हुए दीप की तरह यादगार बनाने वाले हैं, क्योंकि जो एनर्जी हमें मिलती है इस तरह की चीजों से वो हमेशा हमारे साथ चलती है, चाहे ये स्पिरिचुअल स्पिरिट हो हमारे साथ, हमारे बड़ों के आशीर्वाद हो, या फिर हमारी संस्कृति जो हमें हमेशा साथ में रखती है. और ऐसे बहाने हम सब ढूंढते रहते हैं कि शहर की बिजी लाइफ में भी कुछ समय हम अपनों के साथ खास तौर पर संगीत को दे पाए. और इससे अच्छी बात क्या होगी कि हमारे साथ हमारे ऐसे ही बंगालीज की शान अमित कुमार सर जुड़ रहे हैं. तो आगे इवेंट को बढ़ाने के पहले मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी मिसेज इनू मजुमदार मैम से कि आज की होस्ट स्पीच के लिए आप मंच पर आए. पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर इनू मजुमदार, जो कि डायरेक्टर हैं अभिजीत रियालिटर्स एंड इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड सीईओ ऑफ रेडियो ऑरेंज एंड हैंडलिंग सो मेनी थिंग्स. इनू मजुमदार जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. आई थिंक एवरीबॉडी इज सो एक्साइटेड that I'm so happy and honored, and on behalf of Abhijit Realities, Radio Orange, Abhijit Bharat and AM Cinema, I welcome all of you to this magical and beautiful and melodious night of Amit Kumar live in concert. I think we are in association with, with collaboration of Bengali Association and बंगाली एजुकेशन सोसाइटी, जिनकी वजह से आज हम सारे बंगाली एक साथ यहाँ जमा है. आई एम सो प्राउड राइट नाउ टू हैव माई बंगाली कम्युनिटी विथ मी, बिकॉज इट इज अ वेरी रेयर मोमेंट फॉर मी. या आई वी कैन से दुर्गो पूजो, बट दुर्गो पूजो इज समथिंग कि जहाँ हम सिर्फ अंजलि देने आते हैं, बड़ी मुश्किल से एक दूसरे से मिलते हैं, एंड देन वी आर ऑफ टू आर होम्स. बट I'm really, really so proud to see so many Bengalis. We are coming together. Abhi, due to radio functions, I have to go to so many other states where Radio Orange is actually on air. So, jahan bhi main jaati hu, wahan pe everybody is connecting Bengalis to, not from Maach Bhaja, not for the Maachir Jhol, not for the Poshto, but everybody connects Bengali with music. और हर किसी को लगता है कि अगर आप बंगाली हैं, दैट मीन्स यू नो म्यूजिक, वेदर वोकल और क्लासिकल और इंस्ट्रूमेंटल. सो आई एम सो हैप्पी दैट टुडे वी आर हियर फॉर द वन रीजन, जो हमारे बंगाली कल्चर की एक बहुत बड़ी पहचान है, दैट इज म्यूजिक. और वी ऑल आर सो फॉर्चुनेट दैट वी हैव वन मोर प्राउड बंगाली विद अस, मिस्टर अमित कुमार सर, हु इज he has the legendary and generation of music. And I am today, I am taking this opportunity, I was not supposed to say that, let me tell you that aaj unki beti bhi yahan perform karne wali hai, jo unka sirf third show hai. She is just 19 years old, or she is taking the legacy to the next generation. So one more proud Kishore Kumar's family is getting ready, or we are happy that she is coming to this manch. And so hamara Bengali New Year is around the corner. So apna shobai ke khub khub nuton borchore shubhechha. And I want that whenever Amit ji join us on stage, we should welcome him like we are proud Bengali welcoming another Bengali, and we are also proud of him. Thank you so much, and I hope that you will enjoy the night. Thank you. Thank you so much, Inu ma'am. Now, yes, moving to the music part of this evening, kyunki usi ka hum sab besabri se intezar kar rahe, right? So music ho jaye. यस, तो चलिए आज के इस इवेंट की कह सकते हैं ओपनिंग सिंगर को मैं बुलाना चाहूंगी,
जो कि बहुत सारे कॉन्सर्ट इंडिया भर में कर चुकी हैं, इंडिया के बाहर भी कर चुकी हैं, और डेफिनेटली आपको उनको सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है. एंड आई वुड लाइक टू वेलकम दिस सिंगर, जो खास तौर पर हमारी भी बहुत फेवरेट रही, ऐसी लता जी और आशा जी को बहुत चाव से गाती हैं. और क्योंकि लता जी जैसे ही नाम आता है, मैं माफी भी जरूर चाहूंगी, लेकिन इतनी खूबसूरत उनकी आवाज है ना, मैं गा तो नहीं सकती, लेकिन उनकी आवाज जैसे याद दिलाती है वो मिठास की आज नागपुर के इस मंच पर बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने आप सभी सुनने वाले हैं. तो अगर लता जी होती तो कुछ इस तरह से बुलाती हमारी आज की ओपनिंग सिंगर को, जिनका नाम है प्रिया चौहान. पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर प्रिया चौहान जी. थैंक यू सो मच. सुप्रिया जी, क्या आप भी लता जी का गाना गाने वाली हैं शुरुआत में? प्रोग्राम की शुरुआत लता जी के गाने से भी करेंगे. मेरा एक बहुत ही फेवरेट गीत है फिल्म लम्हे से, तो गाना आपके सामने पेश करना चाहूंगी. थैंक यू सो मच. नाउ ओवर टू प्रिया जी एंड द टीम. जोरदार तालियों से स्वागत हमारे पहले म्यूजिकल परफॉर्मेंस का. Thank you.
much. एक बार जोरदार तालियां इन सब म्यूजिशियंस के लिए हो जाए. थैंक यू. चलिए थोड़ा सा अलग अंदाज सूफी गाना पेश करो. चलेगा? चलो एक दो तो आवाज आई. हाँ, कैलाश खेर का एक बहुत ही खूबसूरत गीत जो मुझे बहुत पसंद है, वो छोटा सा आपके सामने पेश करती हूँ. रिदम थोड़ा सा फ्रंट पर दे देना. हीरे मोती मैं ना चाहूं, तू है मेरी
शुरुआत थी, मतलब कितनी टीम्स के पिचेस थी या चार, आई मीन मतलब जोरदार तालियां वंस अगेन फॉर प्रिया चौहान मैम, थैंक यू सो मच। ईला अरुण जी की आवाज को, लता जी की आवाज को और कैलाश जी की आवाज को जो जस्टिफाई किया है वो वाकई में प्रिया जी की आवाज बन चुकी और बहुत अलग पहचान हमारे दिलो दिमाग में छोड़ेगी। सिर्फ दो ही गाने थे प्रिया जी, हम चाहते हैं कि आप और भी गाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी हमें सुनने मिले। नेक्स्ट टाइम जरूर हम कोशिश करेंगे, समय बचा, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं उस नन्हे से सितारे को हमारे मंच पर बुलाऊं जो वाकई जो एक खानदान की लेगेसी को, जैसे कि इनू मैम ने शुरुआत में ही कहा कि आगे बढ़ा रही है, तो ऐसे पापा की परी पापा के पहले मंच पर आएगी और मैं बड़े प्राउडली हमारे नागपुर के इस मंच में बुलाऊंगी, बिकॉज ये तीसरी बार है जब वो पापा के साथ लाइव कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रही हैं। मात्र 19 साल यानी टीनेजर, दिस गर्ल इज स्टडिंग साइकोलॉजी बट येट प्रैक्टिसिंग म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मुक्तिका गांगुली, जोरदार तालियां हो जाए, डॉटर ऑफ अमित कुमार जी, मुक्तिका इज हियर विद अस। We can wave. Come on. Yes. Energy. Show your energy to this little lovely girl. तीसरा बार मैं परफॉर्म कर रही हूँ यहाँ पे, एंड नॉट यहाँ पे बट दिस इज माय थर्ड परफॉर्मेंस, एंड आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग एंड आई नीड योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू सो मच।
so much. Superb, Muktika. So, yeah, Muktika Ganguly bhi. Kya hum chahte hain ki ye music mein hi rahe? Definitely. Kyunki hum nahi chahte Muktika. आप म्यूजिक को छोड़ें, डेफिनेटली वो म्यूजिक को कंटिन्यू तो करेंगे ही, और उम्मीद करते हैं ऐसे 3 से 13 से 30 से आपके बहुत सारे ऐसे ही परफॉर्मेंस होते रहो और उसमें नागपुर शामिल होता रहे. राइट गाइज, यस. सो दैट वॉज मुक्तिका गांगुली. और अब जिसका हम सब बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, तो मैं 3 बार तो आप सभी के मुंह से सुनना चाहूंगी एक रिदम में. भले उनके जैसा लय तो नहीं है, लेकिन क्या हम उनका स्वागत ऐसे कर सकते हैं? अमित कुमार, अमित कुमार, अमित कुमार, अमित कुमार. सो प्लीज वेलकम आज के हमारे इस कॉन्सर्ट की शान, और जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ हैं. सो अमित कुमार जी ऑन द स्टेज. प्यारे बंधुओं, महाराष्ट्र नागपुर के प्यारे प्यारे संगीत प्रेमियों, मैं स्टार्ट दूंगा. 1 2 3 मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, ओ मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, मेरे 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 काका काकियों, मेरे मामा मामियों, मेरे यारों यारियों, मेरे बच्चे बच्चियों, मेरे यारों यारियों, मेरे बच्चे बच्चियों. था था धम. आप सबको गुरुदेव किशोर कुमार खंडवे वाले का बड़ा सुपुत्र अमित कुमार का सपरे नमस्कार. माइनर, मैं जो यहां आया हूं, मैं जो यहां, वेल आई हैव बीन हियर अम्प्टी अमाउंट टाइम, बहुत दफा आया हूं, मैं जो यहां बहुत बार आया हूं, इस बार भी आया हूं, ये आप सबका प्यार है, दुलार है, सत्कार है. और अब ज्यादा वक्त न लेते हुए अमित कुमार गाने को तैयार है. नमस्कार, गुड इवनिंग, बड़ों को प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद. मेरी बेटी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ, जय किशोरदा, जय किशोरदा, जय श्री राम, जय किशोरदा. एकदम पिताजी के साथ मैं नागपुर आया था 1967. तब मैं कितने साल का था? आई थिंक आई वॉज 100 ईयर्स ओल्ड. तो तब से नागपुर बेल, उन दिनों पिताजी शोज करते थे महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र एंड गुजरात. पूछिए क्या रीजन क्या था, बहुत शोज करते थे. रीजन वॉज ही हैड टू पे हिज एरियज, इनकम टैक्स एरियज. जैसा हो गया तो देखिए, एक शो होता था, उसमें से आधा कट के डिपार्टमेंट को जाता था. एंड दैट्स हाउ ही बिगैन, यू नो, ही वन द हार्ट्स फ्रॉम द ऑडियंस. यू नो, कितने सारे शोज, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल. तो ये अब मैं शुरू करता हूं. पिताजी के गाने आराम से सुनाऊंगा. ये मेरा पहला, I would say my first, what should I say, first song which became hit. It hit the bullseye, but slowly. ऐसा नहीं कि एकदम से हिट हो गया था. हाँ, तो ये ऐसा हुआ था. Actually, this was pre-planned. मुझे बाद में पता चला था. उस वक्त 1973 की बात कर रहा हूँ. 74 में recording हुई थी. This has a very funny इंसिडेंट, एनेक्डोट्स. तो मुझे आर डी बर्मन साहब, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं मेरे पिताजी के बाद, आई हैव स्पेंट 25 ईयर्स विद हिम, आई हैव लर्न अ लॉट. तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा है, तो आ जा. तो पहले तो उन्होंने पिताजी को फोन किया. हाँ, पंचम दा हेलो बहुत कम बोलते थे,
हाँ, तो वहां से पिताजी हाँ बोलो, बोले आपका लड़ला क्या कर रहा है? बोले क्यों? बोले उसको भेजिए, उसको गाना मिल गया। बोले मैं किस खेत की मूली हूं पंचम? बोले आपका बजट ही नहीं है, आपका बजट ही नहीं है। ठीक है, फिर मैं गया और वहां पे मैंने रिहर्सल किया। उन्होंने कहा कि दूसरे दिन मेरे साथ अपनी गाड़ी में लेके जाऊंगा तेरे को। तो वो जो गाड़ी थी वो अभी भी है गाड़ी, वो छोटा फियट था विच वॉज ओन्ड बाय एस टी बर्मन, सचिन देव बर्मन। सचिन देव बर्मन ने आर डी बर्मन को दिया था, आर डी बर्मन ने मारुति राव कीर उनके जो असिस्टेंट थे रिदम सेक्शन उनके उनको दिया था। मुझे याद है बारिश का मौसम था और मैं बैक सीट में बैठा हूं और आर डी बर्मन सामने बैठे हैं, मारुति गाड़ी चला रहा है और बारिश में दिख नहीं रहा है कुछ। फ्रॉम बैंड्रा वी वर ट्रेवलिंग टू तारदेव, बारिश में दिख नहीं रहा तो वाइपर चलाना चाहिए ना। पंजाब बोले मारुति वाइपर क्यों नहीं चला रहे, कुछ दिखेगा ना एक्सीडेंट हो जाएगा। मारुति का बोनेट को लगता है हा? वाइपर ऐसा ऐसा होता है ना, उसका वाइपर क्या ऑन कर, ऑन किया तो ऐसा करते 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 हम पहुंचे। तो ये गाना मैंने गाने का नाम रखा था वाइपर सॉन्ग, इन दिल को तो लगा। चलिए बड़े अच्छे लगते हैं लगते हैं। तो कुड़ी कहती है क्या ये धरती ये नदिया ये रहना और तुम ये नदिया ये रहना
गाएंगे, आप लोग गाएंगे, वन टू सब थ्री, बड़े अच्छे। वाइपर सॉन्ग, वाइपर। और तुम बड़े अच्छे लगते हैं, हो दरारीरम, और आप सब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑल्सो, थैंक यू, थैंक यू। तो ये हो गया वाइपर सॉन्ग, हो गया वाइपर सॉन्ग। अभी ये दूसरा, आई बिकेम द वॉइस ऑफ कुमार गौरव, आपको पता होगा मेरे जनरेशन लोगों को मालूम है, आई बिकेम हिज वॉइस एंड वी बैटेड फॉर 5 years, 5 साल बैठ के, अंटिल ऑल द फिल्म स्टार्टेड गेटिंग फ्लॉप, फ्लॉप हो गया, गेट आउट आउट, जैसा होता है। ये गाना भी मुझे मचमदार ठीक से गाने का तू, हाँ गड़बड़ मत करना, हाँ मैं गड़बड़ क्यों कर दूँ, और ये गाने में मुझे मालूम है 2500 रुपये मिला था मुझे, 2500 का चेक मिला था मुझे, और मैंने बैंक, मैंने रिकॉर्डिंग के बाद 2500 मिला, तो मैंने आरटी बर्मन को दिखाया चेक। पहले तो उन्होंने मुझे कहा था कि देख तो पैसे वैसे मत मांग, अभी यू आर मेकिंग योर पेस, नेवर आस्क फॉर मनी, फ्री गाओ, ठीक है फ्री गाता हूँ, एकदम पहुंचा चाहिए ना, सब समय पहुंचा पहुंचा दरकार नहीं, किशोर का अनेक पहुंचा आज, यू मेक योर बेस फॉर ओके आई वोंट चार्ज। लेकिन शक्ति सामंत, वो भी मेरे पिताजी के पुराने दोस्त, उन्होंने दिया 2500 का चेक दिया, नहीं सॉरी शक्ति सामंत ने, टिटो राइट, 2500 का चेक तो मिल गया, मैंने पंचमदा को बताया, देखिए पंचमदा हमें 2500 का मे पे किया, वेरी गुड बैंक में जमा दे, मैंने बैंक में जमा दिया, बाउंस हो गया, इसलिए मुझे याद है। और सेकंड अंतरे में एक वर्ड है शोक कलियों के घूंघट, शोक, शोक को मैंने शौक बोल दिया था, वो अभी तक है, इट्स वेरी बिग मिस्टेक, क्या फर्क पड़ता है, गाना ही थे आसमां गा रहा है,
तेरे ये सारा जहां गा रहा है। मेरे ये सारा जहां गा रहा है, ये जमीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ला 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 हे 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 ला ला थैंक यू सो मच। नमस्कार जी, नमस्कार मिसेस गडकरी, बहुत बहुत वेरी सो सो हैप्पी आप आए। शैल आई कंटिन्यू? आई कम। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई विल बी बैक। नमस्कार। अमित जी, आपके साथ डेफिनेटली सारा जहां सारा नागपुर और खास तौर पर हम सब तो गा ही रहे थे, और क्योंकि अब हमारे मुख्य अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। कंचन ताई गडकरी जी हमारे साथ हमारे प्रांगण में आ चुके हैं, तो मैं जयंती मजुमदार जी से निवेदन करूंगी कि आप पुष्प गुच्छ से आज के हमारे माननीय अतिथि कंचन ताई गडकरी जी का स्वागत करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी बैक स्टेज से कि हम हमारे आज के इस कार्यक्रम अमित कुमार लाइव इन कॉन्सर्ट जो कि नागपुर में हो रहा है, अभिजीत रियालिटीज इन इंफ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद बंगाली एसोसिएशन नागपुर एंड बंगाली एजुकेशन सोसाइटी नागपुर, जोरदार तालियों से स्वागत। थैंक यू सो मच कांचन ताई जी गडकरी। आप ये समय, जैसा कि मैंने कहा, जो हमारा डेमोक्रेसी का त्योहार है और कई सारे हमारे नागपुर की शान गडकरी परिवार से कंचन ताई जी गडकरी आई हुई हैं, मैं निवेदन करती हूं कि कंचन ताई आप मंच पर आएं और अपने शब्दों के आशीष से हम सबको आज के इस उपलक्ष में जहां पर हिंदू नववर्ष देश भर के अलग अलग हिस्सों में मनाया जा रहा है, वहीं पोइलो बैशाख हमारा बंगाली नूतन वर्ष, और आज कई सारे बंगाली लोग हमारे साथ हैं, जोरदार तालियों से वंस अगेन कंचन ताई जी गडकरी। नमस्कार। बंगाली न्यू ईयर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे भी गुड़ी पड़वा भी हुआ है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं इतना सा थोड़ा सा निवेदन आपको करना चाह रही, क्योंकि इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और बीच में मैं यहाँ पड़ी, तो एक ही नहीं खाली निवेदन कर रही हूँ मैं कि 19 तारीख को एक राष्ट्रीय आनंदोत्सव राष्ट्रीय महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। आप कृपया ये महोत्सव में शामिल हो और अपना कीमती वोट कीमती मतदान उसमें को इतना निवेदन करती। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच कंचन ताई जी गडकरी। हम सब आप समझ ही गई होंगी इशारा हमारे पूरी जनता का, और खास तौर पर कंचन ताई जी हम कहना चाहेंगे कि नागपुर में जिस तरीके से
आप और परिवार सारे के सारे म्यूजिक लवर्स और कलाकार प्रेमियों को जिस तरीके से मंच देते हैं ये सराहनीय है और आप बहुत अच्छे से आप एक रसिया हैं संगीत की, हमें समझता ही है हमेशा आपके हाव भाव से और जिस तरीके से आप आनंद लेती हैं। तो चलिए हम आज का लेजेंड अमित कुमार जी का लाइव कॉन्सर्ट कंटिन्यू करते हैं और गाने जिसके लिए आज हम सब यहाँ आए हुए हैं। वंस अगेन ऑन द स्टेज आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अमित कुमार सर कि आप फिर से मंच पर आए और अपनी इस सुरों की महफिल को शुरू रखें। जोरदार तालियां, अमित कुमार जी हमारे साथ। Great privilege to be in the city of Nagpur. Nagpur city Gadkari साहब का शहर है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है क्योंकि मैं I follow politics, I love politics, लेकिन चार दीवार के बीच में, so it's like that. तो चलिए ये जो गीत है, next song, it's a very popular song. जब recording इसकी याद है मुझे, मजेदार किस्सा है, सुनेंगे आप लोग यस्टरडे गाना सुनेंगे। How I got this song? ऐसा था कि 1985 में शायद पिक्चर रिलीज हुई थी और मुझे गाना मिला थैंक्स टू द हीरो, नहीं तो ये आशा भाई का तीनों अंतर आशा जी के थे और आर डी भवन और देन द हीरो वॉक्स इन संजय दत्त ई कम दिन मैं क्या करूंगा, आई नीड माई, मैं क्या खड़े रहूंगा, मंदाकिनी डांस करेगी, मैं क्या करूंगा। इसमें काफी डिबेट हुआ, थर्ड अंतर लिखा गया। पंचमदा आरडीबम तो जो भी गाना बनाते थे मेल ओरिएंटेड गाना पिताजी को सोच के बनाते थे, पर ठीक है किशोर दा को फोन करो, किशोर दा का नाम सुन के प्रोड्यूसर किशोर दा क्यों, अरे यार क्या कर रहे हो यार ऐसा क्यों, चलो अमित को बुलाओ। तो कहां लाखों से वही 2500 रुपए, तो मेरे को बुलाया, मैं गया, पंचमदा बोले है तेरे गाना मिल गया, गाई भी एकदम मेरे तरफ देख, हाँ तुमको ही देख रहा हूँ, तुमको ही देख रहा हूँ, बोलो मैं जैसा गाऊंगा ऐसा गाओ, ओके। अभी आर डी वर्मन मुझे गाना सिखा रहे, गिव मी द रिकॉर्ड आर डी वर्मन, আমাকে দেখা, मैं তোমাকে ही দেখছি বাবা, এটা তোর বাবার গায়ের কথা ছিল, কিশোরদা কো ইয়াদ করো, আর ডি বর্মন রোজ রোজা হোটেলে উঠে বেড়ে দিস रोज दो आंखों तले, समझ में आया, हाँ मैं ऐसा कहूँ, नहीं नहीं तू अपने स्टाइल में गा, अरे मेरे को मेरे जैसा गाना दो, हाँ तू ऐसे गा, 1 2 3 4
जुल्फ गिरा दी है, बेचारे से कुछ खाबों की नींद उड़ाती है। बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ाती है, रोज रोज आंखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले आंख में किस तरह का दिया जले, हो रोज रोज आंखों तले एक ही सपना चले, रात भर का जल जले आंख में किस तरह का मुका दिया जले, हो रोज रोज आंखों तले। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अब मैं प्रिया चौहान जी को स्टेज पर आमंत्रित कर रहा हूँ, एक दो डुएट सुनाता हूँ। दिस इज फ्रॉम द फिल्म नरसिम्हा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मी जी यूज टू आई सैंग सो मेनी सॉन्ग्स फॉर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, दे वर वेरी स्ट्रिक्ट। लक्ष्मी जी मुझे बहुत प्यार करते थे लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट थे। अमित कुमार हरिबाज, अमित कुमार तेरा वॉइस बहुत अच्छा है, बहुत सीरियस नहीं है। अरे मैं पैदा ही ऐसा हुआ, मैं सीरियस कैसे होगा, बोल वॉइस बहुत अच्छा है, मेरे को देखा गाना सीख। चलो थैंक यू। जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां, एक लड़का दुनिया में है जो दे सकता है तुम पे जान। जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां, जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां, एक लड़का दुनिया में है जो दे सकता है तुम पे जान। जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां, जाओ तुम चाहे जहां, याद करोगे वहां। मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे
बात करोगे वहाँ के एक लड़का दुनिया में है जो दे सकता है जाओ तुम चाहे जहाँ याद करोगे वहाँ problem, so I have to sit and sing. Please don't mind sometimes because this is my belt is there. अभी मैंने कुछ 100 फिजियोथेरेपी उसको दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये नहीं जाने वाला है, ये रहेगा एक्सरसाइज 22 एक्सरसाइज आई एम डूइंग रिलीजियसली. बीच में आता है कि ऐसा ऐसा करता है तो मैंने नाम दिया है इट्स माई सेकेंड वाइफ. चलिए, नाउ वी आर इन द लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. आई बिकेम द वॉइस ऑफ अनिल कपूर एंड वी बैटेड फॉर 5 years. बालिका बधू में जो गाना सुनाया मैंने बड़े अच्छे लगते हैं, उसमें एक्टिंग के लिए मैं भी गया था. बिफोर सचिन वॉज सिलेक्टेड अनिल कपूर भी थे. अनिल कपूर टोल मी वंस मैं भी था. व्हाट हैपेंड? रिजेक्टेड. क्यों? अब बताएं, शायद टपोरी लग रहा था मैं, पता नहीं ऐसा. तो मैं भी गया. मेरे पिताजी ने कहा जाओ छोकती दिए छोड़ दे, चेष्टा करो एक्टिंग को, अभिनय करो, चेष्टा करो. मैं गया, लाइन दिया मुझे, चलो टेस्ट बोलो, डायलॉग बोलो. डायलॉग ही भूल गया मैं, मुझे गाना मिल गया. तो ये फिल्म तेजाब, व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल अरेंजमेंट बाय लक्ष्मीकांत एंड प्यारेलाल. चलिए 1 2 3 गो. बीच बीच में उड़ जाऊंगा, डोंट वरी.
I can't help it. I have to stand. Pose to maarna hi padega. Keh do ke tum ho meri varna jeena nahi mujhe hai marna. Keh do ke tum ho meri varna jeena nahi mujhe hai marna. यही अदा तो एक से कम है. सुनो तुम्हें मेरी कसम है. कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना. देखो कभी ना ऐसा कहना. देखो कभी ना ऐसा कहना. यही अदा तो एक से कम है. सुनो तुम्हें मेरी कसम है. कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना. कल दिल दुखाया था मैंने तुम्हारा इस बात का आज तक मुझको है गम. ये सोच कर माफ कर देना मुझको मेरी ये पहली मोहब्बत है जानम. मोहब्बत है जानम. यही अदा तो एक सितम है. सुनो तुम्हें देखो कभी ना ऐसा कहना. देखो कभी ना ऐसा करना. यही अदा तो एक सितम है. सुनो तुम्हें मेरी कसम है. बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों को मजा आ रहा है ना. थैंक यू. अभी पिताजी का एक बंगला गाना. अच्छा आप
এটা বাংলা গান হবে না বাঙালি এটা কি হলো এরকম কেন করলেন আমি বাংলা গান এটা বাংলা আমার বাবার সুর মাই ফাদার্স টিউন বেঙ্গলি দুর্গা পূজা সং মাই ফাদার ওয়াজ আ ফ্যান্টাস্টিক কম্পোজার অলসো মে তো হমেশা বলতাম পিতাজি কে বারে ক্যা বোলনা এভরিবডি আস মি আপ ক্যা বোলু মে টু মেনি ইন ওয়ান হি ওয়াজ টু মেনি ইন ওয়ান দ্যাটস দ্য বেস্ট এক্সাম্পল অফ কিশোর কুমার টু মেনি ইন ওয়ান আদমি নে সব কিয়া এভরিথিং অ্যাক্টিং কিয়া গানা গায়া স্টেজ মে শো কিয়া ক্যা কুছ নি কিয়া ফোটোগ্রাফি হি ওয়াজ লার্নিং ফোটোগ্রাফি হি ওয়ান্টেড টু বি ফোটোগ্রাফার পিয়ানো বাজাতে থে ইতনা আচ্ছা পিয়ানো বাজাতে থে লেকিন সিখা নেই ক্যা হি ওয়াজ আ গিফট তো উনকো দেখ কেই সিখা হুম সব ইয়ে টিউন মুঝে ইয়াদ হ্যায় দিস ওয়াজ রিটন বাই আই ডোন্ট নো দ্য লিরিক গৌরী প্রসন্ন মজুমদার ইয়া মুকুল দত্ত হোয়াট এভার বি This was, I remember, Sun and Sand Hotel mein, I was a regular member, swimming karta tha. Wahan pe Pitaji kabhi kabhi used to take a room and compose. Sun and Sand Hotel mein Dev Sahab ka bhi room tha, wahan pe. So, sab milte the, sab, you know, jamgat hota tha. Achanak mujhe upar se, main swim kar raha tha, Pitaji bola, hey, suno, ata mata shur eschhe. Shur aya dimaag mein. Harmonium nahi, harmonium mangao. Harmonium mein ghar se, harmonium aage, and he composed the song. तो जल्दी ऊपर आओ यू कम तो मैं स्विमिंग करके गया एंड ही कंपोज द सॉन्ग एंड ये गाना इतना हिट हुआ इसका हिंदी में पिताजी ने लिखा था बहुत पहले ही वांटेड टू मेक अ फिल्म नीला आसमान विद मधुबाला जी इट नेवर हैपेंड तो उसमें ये गाना हिंदी जो था गिव मी द कॉर्ड जस्ट गिव मी द कॉर्ड तो हिंदी में पिताजी ने लिखा था ऐ मेरे प्यार के हम नशी दिल पुकार रे तुझे तू कहां बंगला टेम्पो संभालने का थ्री फोर चिंग राते रात छिलो पूर्णिमा रंग छिलो फाल्गुनी हावाते सब भालो लागछिलो चंद्रिमा काछे तोमाके पावाते সুর ছিল গান ছিল এই প্রাণে ওই দুটি হাত ছিল এই হাতে কি কথা বলছিলে মন জানে সব ভালো লাগছিল তুমি জানে সব ভালো লাগছিল তুমি ছিলে তাই মন ছিল মনেরই সেই রাতে রাত ছিল পূর্ণিমা রং ছিল ফাল্গুনি আওয়াতে আকাশে রাত চলে যায় দূরে সেই স্মৃতি ভুলতে গিয়ে
আজ পারি পুরানো দিন আছে মন জুড়ে ভালোবাসা হয়েছে ভিখারি বুক ফাটি মন জ্বলে একা একা তাই সেই তুমি নেই তুমি সেই ছাদে সেই রাতে রাত ছিল পূর্ণিমা রং ছিল ফাল্গুনি হাওয়াতে সব ভালো লাগছিল চন্দ্রিমা বুক আছে তোমাকে Here comes a man from Delhi, from television. He comes to Bombay and he captures the heart. Now, shuru. 1, 2, ta-da, doom, ta. तमाम मांगू वही एक दुआ
अब जाने जा दीवाना दिल दीवाना ओ कब से करे है तेरा इंतजार कब आएगी मेरी जाने कब से करे है तेरा इंतजार कब आएगी मेरी जाने ये जितना भी बहलाऊं चलता है दीवाना दिल दीवाना दीवाना तेरा दीवाना शुक्रिया थैंक यू सो मच वंडरफुल ऑडियंस थैंक यू सो मच आई विल बी बैक थैंक यू सो मच God bless you all. Thank you. जब तक अमित दा वापस आता है आई कंटिन्यू विद फ्यू सॉन्ग्स इन ईयर्स में कीबोर्ड दोनों कम कर देना और वोकल बढ़ा देना
क्या करें, थोड़ा सा माहौल चेंज करें, थोड़ा कुछ सीरियस सुनना पसंद करेंगे करेंगे चलो करेंगे। बहुत सालों पहले पाकिस्तान से एक सिंगर से यहाँ पे एक गाना गवाया गया था। वो एक ही गाना उन्होंने गाया लेकिन वो इतनी मशहूर हो गई उस एक गाने से पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी। मौत ना
तय करके नहीं आया है, जो जैसे दिमाग में आ रहा है, और ये एक क्या बोलते हैं प्लस पॉइंट है कि सुनने वाले अच्छे मिले हैं, तो मुझे पता है जो भी मुझे गाना पसंद है वो आपको भी पसंद आएगा, इसलिए थोड़ा सा मामला इजी हो गया है। Thank you.
you. Oh,
डेफिनेटली हम यहाँ पर सब बहुत ज्यादा झूम रहे हैं और जिस तरीके से आगे महफिल को बढ़ाते हुए अमित कुमार जी वापस हमारे साथ मंच पर हैं और नितिन जी गडकरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ सर, मैं आपके यहाँ पे नागपुर में आया हूँ और इट्स रियली अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी, थैंक यू सो मच। अब मैं आपके सामने कुछ गीत पेश करूंगा, मेरे पिताश्री के गाने। फर्स्ट हाफ आई सैंग माय ओन सॉन्ग्स, आप करेक्ट वक्त पे आए हो। तो एक ही है कि मैं थोड़ा बैठ के गाऊंगा सर, क्योंकि मेरा आई हैव अ बैक इशू। थैंक यू, आई विल ट्राई एंड सिंग खड़े होकर भी बैठ के भी। ये गाना actually this song is a very popular song from the film Amar Prem. Iska bangla mein bhi hua tha, hindi mein to pehle hum bangla se shuru karte hain. Ye give me the scale. Ek bangla picture bani thi, picture ka naam tha Rajkumari, Uttam Kumar ji the, Tanuja ji. To wo bangla gana picture utni chali nahi, lekin wo gana bangla mein pitaji ne gaya tha. Uske baad Amar Prem mein, after 3 years, this song came. So I'll sing the both that version. Pehle Bangla and the Hindi. He ki holo, keno holo, kobe holo. Harmony, harmony, oh ha. He ki holo. Keno holo, kobe holo, jani na, shuru holo, shesh holo, ki je holo, jani na to, ki holo, keno holo, kobe holo, jani na. Guru holo, shesh holo, ki je holo, jani na ko, ki holo. আধারে ভুল করে
जाए कि ढाका दिन जाए ऐसा 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 हे क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ कब हुआ जब हुआ तब हुआ ओ छोड़ो पहले मैं मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में प्रोग्राम कर रहा था तो अचानक आई सैंग अ सॉन्ग एंड मैं दूसरा गाना शुरू कर रहा था गाने तो अचानक एक लेडी बीच में से आके बंगाली ओल्ड लेडी अमित कुमार हाँ जी बोलिए पॉल पॉल दिल के पास तुम रहती हो अरे वाह तो मैंने फिर आपको गाना पड़ेगा तो मैं गया मैंने माइक दिया स्केल 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 दीजिए स्केल पल पल दिल के पास पल पल दिल के पास तुम रहती हो मेरे पास अभी मैं गाऊं वन टू थ्री फोर दीज आर मोमेंट्स आई कैन नॉट फॉरगेट पल पल दिल के पास तुम रहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो जीवन हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए हर रात यादों की बारात ले आए मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है एक महका महका सा पैगाम लाती है मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत
सोचोगी क्यों कितना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं, दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं, तुम यूं ही जलाते रहना आ आकर खाबों में, fabulous जीवन ये जो सब मोमेंट्स है ना, ये सब मेरे मुझे याद आते हैं, सब जब जो भी मैं परफॉर्म करता हूं, ऑल दीज फनी इंसिडेंट्स, ऑल दीज एनेक्डोट्स, दैट इज फन. दिस सॉन्ग इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. अभी हम लोग किशोर साहब के एरिया में घुस गए एकदम. हाँ, हसीना से यूं मुलाकात, मैं स्टार्ट दूंगा, हो गई एक अजनबी, हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये न पूछो कुछ ऐसी बात, हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई. जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर, अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर, जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर, अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर, मैंने ये कहा तो मुझसे खफा हो जाने है या हो गई है?
हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये न पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रात कली ख्वाब में आई, ये गाना मुझे याद है। ये किस्सा जो है, ये हमारे घर में मुखड़ा बनाया था पंचमदा ने, मतलब के वहां पे उन दिनों मुंबई में ये बेली डांसर्स बहुत होता था। मैं 60s-70s की बात कर, बेली डांसर सन एंड सैंड में हम सब, मैं तो छोटा था, पिताजी लेके नहीं जाते थे, पंचमदा और पिताजी दोनों जाते थे, गुड रेप्यूटेड बेली डांसर्स। तो पंचमदा ने फोन किया, बोला दादा बहुत टेरिफिक बेली डांसर, नाम मुझे याद नहीं, आई है तो चलो चलते हैं, चलो देखेंगे। हम लोग गए दोनों बैठ के, लेकिन बेली डांसर आई नहीं, तो वहां से गाना बना। तो पंचम बोले, पंचम ये तो यहाँ पे कॉमेडी चल रहा है, वो मिमिक्री आर्टिस्ट आ गया, बेली डांसर कहाँ है? मुझे पता नहीं क्या होगा, मतलब क्या तुम्हारे ड्रीम में आया था, ख्वाब में आई थी क्या बेली डांसर? पता नहीं, कहा अरे गाने का लाइन बन गया, गाने का लाइन बन गया क्या? बोले रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आप तुम ही से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत, चाहे हंसी में उड़ा दो, ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं, हो सके तुम ही बता दो। तुमने कदम जो रखा जमीन पर, सीने में क्यों झनकार हुई? रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। यूं तो हसीनों के माह जबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। यूं तो हसीनों के माह जबीनों के होते हैं रोज नजारे, पर उन्हें देख के देखा है जब तुम्हें, तुम लगे और भी प्यारे। बाहों में ले लूं ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे
आँख तुम्हें से चार हुए रात गली एक खाम में आए और गले का हार हुए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी आइए आइए। तो आज रात को तो आप ही आने वाले हैं हमारे सपनों में और ये धुने बिल्कुल थमने वाली नहीं है, लेकिन सॉरी हमें आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि ये सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि नितिन जी गडकरी भी आए हुए हैं और हम आपका भी स्वागत हमारे एसोसिएशन के लोगों से करवाना चाहते हैं, क्योंकि फिर जो लड़ी बनती जाती है रुकने का समय नहीं मिलता। तो मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आप भी मंच से नीचे अगर आए, हमें आप स्वागत करना है हमारे सारे बंधु लोगों से, भाई लोगों से। जरूरत नहीं मैं। थैंक यू सो मच अमित जी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अभिजीत मजुमदार जी से और साथ ही बंगाली एसोसिएशन नागपुर के प्रदीप मोइत्रा सर और बंगाली एजुकेशन सोसाइटी से प्रदीप गांगुली सर, आपसे निवेदन है कि आप नितिन जी गडकरी का स्वागत पुष्पगुच्छ से करें, जोरदार तालियां हो जाए हमारे बीच। नितिन जी गडकरी हम सभी जानते हैं कि वो भी संगीत के साथ ही, मैं मिस्टर जे के मजुमदार जी और अगेन प्रदीप जी मोइत्रा और प्रदीप जी गांगुली से निवेदन करती हूँ आप भी पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। हम सब एक ही हैं, एक दूसरे का स्वागत हम इसी तरह तो अमित जी भी नागपुर के पुराने परिचित हैं, पुरानी यादें निकल के आती हैं। थैंक यू सो मच नितिन जी गडकरी, आपने अपना समय दिया और अमित जी से मैं निवेदन करूंगी कि हम आगे यूं ही अपनी इस महफिल को शुरू रखेंगे, लेकिन ये पल हम नागपुर वासियों के लिए बड़े यादगार हैं, इसे कैमरा में कैद जरूर हमें करना है और ये पूरा शो आप लाइव देख सकते हैं रेडियो ऑरेंज के ऑफिशियल चैनल से। थैंक यू सो मच। हम सभी जानते हैं कि हमारे नागपुर के चहेते नेता नितिन जी गडकरी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। अमित जी से अगेन रिक्वेस्ट कि आप मंच पर आए और आज के इस लाइव इन कॉन्सर्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच अमित जी। इट वॉज अ प्लेजर फॉर मी टू मीटिंग सच अ ग्रेट मैन, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जरा देख लेता हूँ भैया, ठीक है। अभी जो गीत है इसका रिहर्सल अभी YouTube में घूम रहा है, मुझे भी मिला है, जो जो पंचमदा के फैन है उनको भी मिल चुका है। 1 2 3 1 2 3 बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने तो छोड़ो ले जाने तो यार हम ना करेंगे प्यार, रहने तो छोड़ो ले जाने तो यार हम ना करेंगे प्यार।
सागर नया सागर कोई ले ले मेरे खुदा दिल से कोई किसी से न खेले टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले मेरे खुदा दिल से कोई किसी से न खेले दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम और महबूब का जो बस लेते हुए नाम मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम रहने दो छोड़ो जाने दो यार अपना करेंगे प्यार रहने दो छोड़ो जाने दो यार अपना करेंगे प्यार शुक्रिया चलिए अभी हाँ दुकान बंद हो जाएगा मंगवा लो भाई দোকান বন্ধ হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি আরে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে পাওয়া যাবে না হ্যাঁ আরে চলিয়ে শুরু কিজে ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি ডাং 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 নদিয়া সে দরিয়া দরিয়া সে সাগর সাগর সে গহরা জাম সাগর সে গহরা सागर सागर से गहरा जा सागर से गहरा जा म्यूजिक बजाओ जो न पिए वो क्या जाने पीते हैं क्यों हम दीवाने यार जब से हमने पीना सीखा जीना सीखा मरना सीखा यार हम जब यूं नशे में डगमगाने लग गए हो दिल की बेचैनी को आया दरिया दरिया से सागर सागर से गहरा जा सागर से गहरा जा हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम हो जाम में डूब गई यारो मेरे इनको लिस्ट नहीं दिया था सीक्वेंस नहीं दिया था एनीवे ये जो गाना है दिस वॉज लिफ्टेड ट्यून फ्रॉम अ तमिल इन फिल्म हिंदी में पिताजी ने गाया था नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यासे दिल की बुझा जाए
नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए से कसने को बाहों में बसने को दिल मेरा ललचाए कोई तो आ जाए ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए रा 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 प्यार बरसाए हम बरसाए थैंक यू भजन नहीं गा रहा है भजन नहीं है बजी गिटार 1 2 3 4 देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार चलता आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार आ रहा कैसा ये नशा रे आ रहा सीने का मजा रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे रे मैं तो गया रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे पीपल की आह छैया गले एक दूजे में हम खो जाए दिन का चुन चुन के हम तुम छोटा सा एक घर बनाए चाहूं चाहूं दिन रात में चाहूं लम्हा लम्हा तेरे साथ बिताऊं सावन में मेरे यार धड़कन गाए मल्हा सावन में मेरे यार धड़कन गाए मल्हा सांसों में तेरे प्यार धड़कन गाए मल्हा रोग मुझे कैसा ये लगा रे रात भर खाबू में जगा रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे अरे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे देखा तो तुझे यार दिल में बजी गिटार चलता आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार आ रहा कैसा ये नशा रे आ रहा जीने का मजा रे अरे रे रे अरे रे रे अरे रे रे मैं तो चला रे शो खत्म हुआ रे अरे रे मैं तो चला रे शो खत्म हुआ रे अरे रे मैं तो चला रे शो खत्म हुआ रे अरे रे मैं तो चला रे शो खत्म हुआ थैंक यू गुड नाइट लव यू नमस्कार नमस्कार थैंक यू सो मच थैंक यू जय हिंद
कुमार का जोरदार तालियां हो जाए। एंड ये शो खत्म करने का अंदाज और शो शुरू करने का जो अंदाज है हम नागपुर वाले हमेशा याद रखेंगे। तो यस वंस मोर के नारे तो डेफिनेटली लगेंगे लेकिन समय नहीं है हमारे पास। और मैं बंगाली एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आए, हमारे सारे म्यूजिशियंस का स्वागत आपके हाथों से हो। तो मैं बंगाली एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज कम ऑन द स्टेज। और सभी से निवेदन है कि आज आप यहां से जा रहे हैं तो डिनर जरूर करके जाएं एमएलए हॉस्टल में। आज हम सब ऑन द ईव ऑफ वी कैन से प्री सेलिब्रेशन ऑफ बंगाली न्यू ईयर, हम सब गानों का तो लुत्फ उठाया लेकिन खाने का भी लुत्फ जरूर उठाएं। दिस वॉज टूडेज इवेंट अभिजीत रियालिटर्स इन इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड इन कोलैबोरेशन विद बंगाली एसोसिएशन नागपुर एंड बंगाली एजुकेशन सोसाइटी नागपुर। आज का ये अमित कुमार लाइव इन कॉन्सर्ट, सो मेक सम साउंड एंड से बाय बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट बंगाली एसोसिएशन पीपल टू कम ऑन द स्टेज। आज का ये कार्यक्रम इस प्यारी धुनों के बगैर ना होता तो मैं हमारी पूरी म्यूजिकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप सामने आ जाएं। आप पूरे टाइम बिजी होते हैं, सिंगर्स बदलते रहते हैं लेकिन आप जिस तरह से अपनी म्यूजिक की कमान संभालते हैं तो कुछ लोग हैं आई नो थोड़ा हम लेट हो चुके हैं लेकिन इस महफिल को हम अगर हमारे आर्टिस्ट का सम्मान के साथ खत्म करेंगे तो और अच्छा होगा। तो मैं विनंती करूंगी जितने लोग रुके प्लीज पूरी टीम आ जाए। रागा बैंड हमारे साथ था, रागा बैंड हमारे साथ था फ्रॉम जबलपुर ऑल द वे। तो जोरदार तालियों से स्वागत और हम आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आज की इस संध्या को जो अमित कुमार लाइव इन कॉन्सर्ट था, आपने अपने म्यूजिक से इसे और भी चार चांद लगा दिए। बिकॉज संगीत ना होता तो आज की महफिल बिल्कुल मुमकिन ना हो पाती। तो थैंक यू सो मच ऑल, जोरदार तालियां जितने लोग हैं दुगनी तिगनी जोर से तालियां बजाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, यू गाइज वेर अमेजिंग जिस तरीके से आपने आज की शाम का समा बांधा है। और सभी से वंस अगेन रिक्वेस्ट, एमएलए हॉस्टल में हमारा डिनर है, इसके बाद पूरी टीम और हम लोग वहां पर डिनर के लिए जरूर मिलें। जस्ट इन फ्रंट ऑफ देशपांडे हॉल एमएलए हॉस्टल में डिनर की व्यवस्था है।
Bengali Association से प्रदीप जी एंड फैमिली थैंक यू सो मच. एक ग्रुप फोटो बनता है सर, आप भी बीच में आ जाए सर, मैम प्लीज ज्वाइन देम फॉर फोटो. सो दिस विल बी आवर मेमोरी फॉर सो मेनी इयर्स. Host team, please come and join for the group photo last. Thank you so much. Thank you. It's so small word for you guys. Amazing.